एक मंत्री थे राजा के, वो हर बात में ही बोलते थे भगवान की बड़ी कृपा, भगवान ने बहुत अच्छा किया, ऐसा बोलते थे। एक दिन वो राजा के साथ शिकार खेलने गए तो प्रत्यंचा शिकार के लिए अधिक खींचने के कारण असावधान होने का अंगूठा कट गया प्रत्यंचा से। तो उनका मंत्री है तो हमारा अंगूठा कट गया बहुत, तो उनका भगवान की बड़ी कृपा बड़ा अच्छा हुआ। बोले बड़ा अच्छा हुआ मेरा अंगूठा कट गया दुष्ट, और तू कहता बड़ा अच्छा, सैनिकों को आदेश दे उठाओ तो, जेल में बंद करो। उसने ये भी बहुत अच्छा हुआ भगवान की बड़ी कृपा। बोले मंत्री पागल हो गया, मेरा अंगूठा कटा बहुत अच्छा हुआ, इसको जेल मिल रही बहुत अच्छा हुआ, जेल हो गया। अब तो राजा है, वैद्यों के द्वारा तत्काल उसको जोड़ा गया और औषधियां, पहले आयुर्वेदिक औषधियों में इतनी सामर्थ्य है कि अब शायद अब भी है कि अगर अंग कट जाए तुरंत उसको तो औषधियों के द्वारा पूरा संचालित ऐसा किया जा सकता है। उस समय तो और शुद्ध आयुर्वेदिक लगाया और घाव घंटों में पथ गया, लगाया और कुछ दिनों में एकदम अंग काम करने लगा। फिर वो शिकार खेलने के लिए गए। अब उनकी वो वृत्ति शिकार खेलने की इतनी दृढ़ है कि सैनिक पीछे रह गए, आगे निकल गए। दूसरे राजा की सीमा में किसी स्वस्थ और माननीय पुरुष को देवी की बलि देने के लिए चयन करने की इच्छा से वहां खोज रहे थे। जो राजा दिखाई दे बोले इससे ज्यादा पवित्र और महिमा में कौन होगा, बंदी बनाओ इसको। अब अकेले राजा बंदी बना ली, जैसे पीछे सैनिक है तेल बंदी बना को ले गए। अब वहां स्नान कराया गया और सब, तो वहां देखा जाता है कुछ अंग भंग कटिंग नहीं होनी चाहिए, सर्वांग पुष्ट बलि दी जाती है। तो जो ही चेक किया गया तो अब जोड़ तो गया था पर पता था ना कि यहां से हाल का। बोले नहीं नहीं ये बलि लायक नहीं, मतलब सर्वांग पुष्ट होना चाहिए बलि में, छोड़ दो इनको, छोड़ दी। राजा ने कहा मंत्री ने तो सही कहा था, अंगूठा जब कटा था कहा था बहुत अच्छा किया भगवान ने बड़ी कृपा की, हम बेकार मंत्री पर नाराज हुए, अगर आज अंगूठा कटा ना होता तो गला कट जाता, बड़े प्रसन्न हुए। अब आए मंत्री को बुलवाया और कहा कि तुमने कहा था अंगूठा कटा बड़ा अच्छा हुआ, भगवान की कृपा हुई, वास्तविक भगवान की बड़ी कृपा हुई, लेकिन मंत्री तुम जेल में सड़ रहे हो मंत्री पद से अलग हटकर, और उस समय भी तुमने कहा भगवान की बड़ी कृपा हुई बड़ा अच्छा, ये समझ में नहीं आया। बोले महाराज आप कैसे समझे कि आपके ऊपर कृपा हुई, तो उन्हें पूरी घटना बताई। तो बोले महाराज सैनिक कहीं भी रहते लेकिन मेरा घोड़ा आपके पीछे होता, क्योंकि मैं राजमंत्री हूं आपका, आपके प्राण जाने के पहले मैं अपने प्राणों को कभी आपसे अकेला नहीं रह सकता छोड़ सकता था, जब आप बंदी बनाए जाते तो मैं भी बंदी बनाया जाता, और आप तो अंगूठे में बच जाते लेकिन मेरी तो गर्दन उतर जाती ना, तो भगवान ने सुरक्षित करके दिया मुझे जेल में रख के, भगवान ने बड़ी कृपा। वास्तविक बात है भगवान की तरफ से जो होता है वो मंगल भवन है कृपा। हम थोड़ा सा ना वो ज्ञान होने के कारण सोचते हैं भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, उनके पास क्या कमी है, ऐसा वैसा। वो जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। हमें चाहिए कि हमें अपने प्रभु की खुशी में खुशी रहने वाला स्वभाव बना लेना चाहिए, बहुत आनंद आ जाएगा।